भंडारा खाने का नहीं बल्कि किताबों का होना चाहिए भंडारा। साथियों नमस्कार, मनोज अंतानी हूँ, समता आवाज टीवी आप देख रहे हैं। मेरे सामने, मेरे साथ में जो फोटो आप देख रहे हैं ये अनिल कुमार गौतम जी की फोटो है। अनिल कुमार गौतम कोई ये वो शख्स हैं जिनको शायद ही बहुत कम लोग होंगे भारत के अंदर अम्बेडकरवादी लोग जो ना जानते होंगे। 1972 में इनका जन्म हुआ जैसे कि लिखा है, और 2021 में कोरोना की लहर में ये हमारे बीच में नहीं रहे। इनकी याद में इनके परिवार ने और गौतम बुक सेंटर की तरफ से आज जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं और ये किताबें देख रहे हैं, जो सुल्तान सिंह जी हैं गौतम बुक सेंटर के जो मालिक हैं, वो पिछले 3 वर्षों से इनकी याद में हर आज के दिन, हर साल आज के दिन एक कार्यक्रम रखते हैं जिसमें लाखों की संख्या में किताबें जो हैं विभिन्न संगठनों को दान दी जाती हैं, उनके पुस्तकालयों के लिए दान दी जाती हैं। एक बड़ी खबर है जो मैं आपको दिल्ली से इस खबर को दिखा रहा हूँ और कुछ लोगों से चर्चा करेंगे। अनिल कुमार गौतम के छोटे भाई गौतम जी हमारे साथ हैं जो इस समय वर्तमान में गौतम बुक सेंटर को देख रहे हैं। गौतम जी, क्या जो पहले तो हमें ये बताइए कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचे, कितनी संस्थाएँ पहुँची थी? पहले तो समता टीवी को देखने के वाले सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ और आपका भी धन्यवाद कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में समय निकाला और इस कार्यक्रम को आपने कवर किया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के विभिन्न राज्य प्रदेशों से, पिथौरागढ़, उत्तरांचल और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लोग पधारे हैं। जी, प्रदेश से लोग पधारे हैं? हाँ जी, 12 प्रदेशों से। ये किताब हमने पिछली बार भी पूछा था, इस बार पुनः पूछ रहे हैं दर्शकों से, क्योंकि हर बार नई खबर होती है। जी, किताबें ही क्यों सर? भंडारा लोग बड़े प्यार से, लाखों की संख्या में भीड़ लग जाती सर। खाना खाएंगे और सुबह जब सुबह उठेंगे तो खाने का कोई महत्व नहीं रहेगा। बाबा साहब का जो पहला स्लोगन है शिक्षित बनो, और उसका इससे बढ़िया माध्यम मुझे नहीं लगता कोई हो सकता था। भाई अनिल के जाने के बाद उसकी कमी को तो हम पूरी नहीं कर सकते थे, परिवार भी टूटा बिखर गया, मगर अल्टीमेटली करें क्या, तो परिवार ने सोचा कि क्यों ना मिलके उन्हीं के संजोए सपने को आगे बढ़ाएं, और पुस्तकों का माध्यम हमने लगा जिससे अनिल जी का लगाव भी था उसी को आगे बढ़ाया। मतलब पुस्तकें आगे जाएंगी, ज्ञान आगे जाएगा तो बहुत सारी बातें जो हैं लगेंगी। हमारे साथ दूसरे बाबूजी हैं। बाबूजी, किताबें आप पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं, गौतम बुक सेंटर जो किताबें दे रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाले आगे आने वाले समय? पुस्तक एक ऐसा एक भंडार है, इससे जो आने वाले बच्चे हैं वो दर पीढ़ी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान वर्धक हो सकते हैं, और इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है समाज के ऊपर। कहीं ना कहीं पुस्तकें नया, आपने तो बहुत सारी पुस्तकें ली हैं। हाँ जी हाँ, ये पुस्तकें जो है अनिल मेमोरियम जो ट्रस्ट है उसके माध्यम से दी गई हैं, और हमारे पास भी लाइब्रेरी है उसके लिए, और मेरा जो है अजीत नगर है, और कल्याणी जो हमारे फाउंडर मेंबर थे वो भी, जैसे कि अनिल जी की जो मृत्यु हुई है कोरोना में, उनकी भी कोरोना में हो गई थी अनिल जी, कल्याणी जी की, तो हमने दिल्ली में वीर सिंह जी के माध्यम से जितनी भी हमारी 125 लाइब्रेरी हैं उनका कल्याणी घरेलू पुस्तकालय नाम रख दिया। तो ये एक दिल्ली के अंदर जो पुस्तकालय है उसको एक किताब मिली है, पूरा सेट दिया गया है, और हमारा प्रयास रहता है दिल्ली के लोगों को साथ, आपने देखा होगा अगर हम किताबों के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं, भारतीय समाज निर्माण संघ को जो हमने बढ़ाया है वो किताबों के माध्यम से, क्योंकि हमारा जो काम है वो ऐसी बस्तियों में है जो गरीबों की बस्तियाँ हैं, उनमें लोगों को हमने बाबा साहब के बारे में, ज्योतिराव फूले के बारे में, ये किताबों के माध्यम से जन जागृत किया है। तो ये बाबा साहब का पहला मंत्र था शिक्षित बनो, उसके बाद उन्होंने 2-3 मंत्र दिए, आपको क्या लगता है इन सब? नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है, पिछली बार भी हम इस प्रोग्राम में आए थे, बल्कि ऐसे प्रोग्राम पूरे देश में होने चाहिए, है ना, बहुत अच्छा, क्योंकि भंडारा खाने का नहीं बल्कि किताबों का होना चाहिए भंडारा, है ना, तभी हम जो आगे बढ़ेंगे। तो हम साहिबा साहे हैं अम्बेडकर जन कल्याण परिषद से, हमारा पुस्तकालय है, और हम तो जो है पूरी साल जो है बच्चों को ना, अगर किसी बच्चे को किताबों की ज़रूरत है तो हम दिलवाते हैं बच्चों को किताबें, हाँ पढ़ने वाली किताबें, अगर किसी बच्चे को स्कूल की किताबें चाहिए तो हम दिलवाते हैं। इस बार भी हमने करीब 10 बच्चों को किताब दिलवाई है।
जितना भी उनका कार्य था इस क्षेत्र में उन्होंने उसको पूरा करने का प्रयत्न किया, ये उनकी एक बहुत बड़ी मान्यता है। आप जानते हैं, आप बहुत लोग समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी जिस समय अपनी पढ़ाई करते थे उन्हें क्लासरूम में बैठना अलाउ नहीं किया गया था, कई बार उन्हें बाहर निकाल दिया गया, खिड़की पर खड़े होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई की। कि जिस दिन बहुजन वे त्रिशरण होगा, जिस दिन बहुजन वे त्रिशरण कार्यक्रम का मतलब ये था कि हमारा बेटा ऐसा में गुजर गया और उसको हम फिजिकली तो नहीं ला सकते, लेकिन उसकी यादगार जो हमें परेशान करती है तो उसको बातचीत करने के लिए, उसकी बातचीत, उसके बारे में बातचीत करने के लिए ये सब संस्थाओं को पुस्तकें उसी का एक, ये मैंने इसलिए सोचा कि एक शौक सा बातों कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लोगों को इस तरफ प्रेरित करना चाहता हूँ कि लोग ऐसा करें, क्योंकि रोना जिजाना तो चलता रहेगा, ये तो सब पर्सनल लेवल पे है। जब हम उनको याद करते हैं, मेरे बेटे को आज हम रोने का हम रोने बैठ जाएंगे वो बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उनको हम भिन्न भिन्न लाइब्रेरीज में बैठा रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये कुछ उससे ज़्यादा रचनात्मक है। हमारा समाज जो है वो बहुत पढ़ुआ समाज में से है, ब्राह्मण के बाद दलित सोसाइटी पढ़ने में आती है और उसका रुझान है, तो उनको पढ़ने के लिए किताबें उपलब्ध हो सके, नए नए छात्र ये वाचनालय पुस्तकालय खोले जाएं, उस सीरीज में मेरा एक नकारात्मक नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से संस्थाएं काम कर रही हैं, जैसे आप सिद्धार्थ टेंपल ट्रस्ट को देख लो, यहाँ एक लाइब्रेरी कायम हुई है, बहुत सुविधाएं दी गई हैं, ऐसा ही अमर कॉलोनी गोकलपुर में गुरु रविदास मंदिर में प्रबंध किया गया है, तो ये इतने सकारात्मक स्टेप हैं कि ये कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। तो ये जो जितना काम हो रहा है ये बहुत बढ़िया हो रहा है, मसौता की अकेडमी है,
और बहुत सारी जिन बहुत सारी संस्थाओं को मैं पर्सनली जानता हूँ, ये बहुत सकारात्मक तो ऐसी संस्थाएं जो इस तरफ कदम बढ़ा रही हैं, उनसे क्या आपका अपील विनती निवेदन करना चाहेंगे आखिरी सवाल? लोग उन संस्थाओं से प्रेरित होकर और दूसरी संस्थाएं खोलें, और जो संस्थाएं बहुत बढ़िया काम कर रही हैं वो तो निश्चित रूप से और बढ़िया काम करेंगी।